लेकिन जी को ब्याह होना है उनकी तरफ किसी की नजर नहीं, उनके रिश्तेदार है नहीं यहाँ, ना भाभी ना भैया ना मताई ना बाप, अब तैयार को करवाओ। शाम की टाइम गढ़ों को याद आई कि दूल्हे राजा तो ऐसे ही बैठे नगरदम। नंदी बोले सरकार आज आपको ब्याह है। बोले बाबा बोले है तो है। बोले कम से कम तैयार तो हो जा। शंकर जी बोले का होना चलो। नंदी बोले जौन है साहब के चलवे यहाँ कह रहे को वहां अपनी बिटिया नहीं देने उल्टे रसगुल्ला और फेंक के मार। शंकर जी बोले तो क्या करें कछु सज लो मुकुट ले आए। शंकर जी बोले नहीं जरूरत नहीं, बार खुले हैं तुम्हारे। कामदेव को भस्म किया तो भोले बाबा के बाल खुल गए थे। बोले इन्हीं को संभाल। सिवाही संभुगन करही सिंगारा, जटा मुकुट आही मोर सवारा। जटा मुकुट जटाओं को लिया शंकर जी के गणों ने, बड़ी बड़ी जटाओं का मुकुट बना दिया। बोले आहा हा गजब हो गो भैया, अब लो मुकुट को काम तो खत्म हो गो। लेकिन एक गड़बड़ हो गई। बोले क्या भ्रंगी? बोले दूल्हा का पहचान है सेहरा। नंदी बोली ये सेहरा कैसा होता है? बोले लंबो लंबो लटको रात मौके ऊपर। अब सेहरा कैलाश पे कहां से मिले? नंदी बोले चिंता मत करो। नंदी भक्ते भक्ते गए 25-30 पतरे पतरे सांप ढूंढ लिए। सांप को पकड़ के उनके मुंह की तरफ में गांठी एक सांप से लगा दी, मुंह को कर दिया जटाओं में फिक्स, पूंछ लटका दी सामने। एक से सांप आए हाय हाय हाय। भ्रंगी बोल से नंदी बोले अब बताओ सेहरा कैसे? बोले दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, गजब का सेहरा हो गया भैया दूल्हे का। बोले ऐसा सेहरा तो किसी का नहीं होगा। शंकर जी ने नाग का सेहरा क्यों पहना? बोले तुम शादी में बड़े ही खुश रहो पर काल तो सिर पर बैठा ही है। नाग का सेहरा भोले बाबा का अही मोर कुंडल। कुंडल कैसे? शंकर जी के गण कुंडलों में भी ड्यूटी लगी, पतरे पतरे पीरे पीरे सांप ले आए। कानों में दोनों तरफ एक सी साइज के कानों में सांप फंसा दे। अब गजब करा भैया, ऐसा नहीं मैचिंग बाई मैचिंग, पीला तो पीला, फिर नीचे हरा सांप तो हरा, फिर और नीचे तीन छल्ला में काला सांप तो काला। आहा गजब हो गया भैया। अब मुकुट हो गया, सेहरा हो गया, कुंडल हो गया, पर भैया दूल्हा का मेकअप वाना भैया, ये मेकअप कैसा होता? बोले भूरा भूरा हो जाता है आदमी, तो मेकअप की क्या जरूरत है, ये तो पहले ही सफेद है। बोले नहीं नहीं पाउडर तो लगना चाहिए। अब पाउडर कैलाश पर्वत में कहां से आएगा? नंदी बोले रुको भ्रंगी, वाह 10 किलो भस्म लेकर के आए, भस्मी लगाई नहीं थोप दई पूरे में। एक होता लगाना, लगा के मिलाना, थोप दई। एक तो भोले बाबा वैसे ही सफेद तो भस्म लगवे के बाद और बगल भूरा दिखने लगे। आहा आनंद आ गया। अब संगी ने कहा कहो भैया नंदी पाउडर भी गजब को होगा, अब का रह गया? उठो जरा बाबा। बाबा खड़े भाई, बोले सब गड़बड़। बोले का? बोले शेरवानी नहीं पहने। तो भोले बाबा बोले हम शेरवानी एरवानी कछु ना पहनेंगे, ऐसे ही जाएंगे। महाराज नगरदम मत जाओ, कछु तो पहन लो, हम ना पहनेंगे। तो जो मृग चर्म पर भोले बाबा बैठे थे वही मृग चर्म लपेट दी कमर में। लेकिन गड़बड़ ये कि मृग चर्म में कौन बटन आती, जैसे ही लपेटी सो छूट गई। अमनंदी ने कहा क्या करें? बोले एक गढ़ की ड्यूटी लगाओ, पकड़े ही लावे पूरे ब्याह भर। तो श्रृंगी बोले कहीं उसका हाथ दर्द करने लगाओ, भर भावनन में कहूं एक छल्ला छूट गो, गड़बड़ बचाएगी। अब क्या किया जाए? तो नंदी ने कहा नो प्रॉब्लम, एक उपाय है,
कारो कारो ढाई हाथ में एक सांप ढूंढो, और सांप को उस मृग चर्म के ऊपर लपेड़ के गांठी लगा दी। और सांप से बोले, सुनो, पूरी इज्जत तुम्हारे ऊपर है, दुनिया पलट जाए पर तुम ना खिसकना। सांप भी बोलो, चिंता ना करो, इज्जत संभाल के हम अच्छे से जानते हैं। कहा, अब बढ़िया रहा भैया, बाबा का दिव्य श्रृंगार हुआ, हाथ में त्रिशूल दिया, डमरू दी, ललाट पर सुंदर चंद्रमा, सिर पर गंगा, गले में नाग, एक नाग का यज्ञोपवीत, मृग चर्म ऊपर से नाग बंधो, से बीच बीच में सांप कमर में ऐसा हो जाए, अद्भुत श्रृंगार लगे। बाबा भी ऊपर से नीचे तक देख के बोले, नंदी सच सच बताओ कैसे लग रहा है। नंदी बोले, बाबा कुछ भी कहो, आज गजब के जम रहे। बाबा बोले, सच्ची? नंदी बोले, मुच्ची? खूब आनंद। बाबा ने अपनी डमरू उठाई और डम 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 बजाना शुरू की। नंदी भंगी संगी सांप प्रसन्न हो गए, लेकिन एक गड़बड़ हो गई। जितने बराती आए थे, जब उन्होंने दूल्हा को देखा, बोले, आए कहा, ये कौन है? बोले, ये दूल्हे राजा हैं। ब्रह्मा जी बोले, इनके चक्कर में तो राय को तक नहीं मिल रही, तो एक इमरजेंसी बैठक भाई देवताओं की। सुनो, आप राम कथा में राम विवाह पढ़ना, तो राम विवाह में पंगत बाद में भाई, पर देवताओं ने मीटिंग ली के जाते ही सबसे आगे चलेंगे देवताओं, पंगत पहले। बोले, कहे? बोले, अगर दूल्हे राजा की एंट्री हो गई तब बिना रसगुल्ला घले नहीं मानने लोग ना, तो देवता आगे, शंकर जी एकदम पीछे रह गए। तो नंदी से कहा, नंदी चलें? हाँ। और रोज ये सीधे बैठते, बोले, बाबा आज ब्याह है, नंदी पे आज उल्टे बैठ गए, सींग की जगह पूंछ पकड़े हैं उल्टे, अमंथन करो ऐसी पकड़े पूंछ। नंदी ने कहा कि कम से कम सीधे तो बैठ जाओ। बोले, ब्याह में चल रहे क्या? नहीं, कहीं जो लफड़ा धरो एक ठिकिया। नारद जी बोले, नंदी से तुम चुप रहो, चलन दो माए, जैसे तैसे तो माने हैं। जो संस्कार पे देख रहे हैं, अगर उन्हें पूरा विवाह देखना हो तो कुछ देर में कट जाएगा, बागेश्वर धाम चैनल पे भी देख सकते हैं। विवाह तक की ही आज चर्चा करेंगे, और कल राम जी का अवतरण है कथा में। कौन कौन आएगा? हाथ उठाओ। हाँ, कल तो ये जो सामने खड़े हो जाते हैं ना, बगल के तंतन अबे खाली है पंडाल, कल के बाद नहीं फिर जो है बच पाएगा, क्योंकि कल दिव्य दरबार भी लगना है। हाँ, तो सामने ना खड़े होके अगल बगल बैठ जाओ, करे बढ़िया, खूब आनंद लो। बारात में भोले बाबा की बारात चली, मेरे बाबा की बारात, भोले बाबा की बारात। बाबा ने डमरू उठाई, डमक डमक डुम 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 डमक 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 डुम डमक डमक डुम डमक डमक डुम डमक। मेरे बाबा की बारात, भोले बाबा की बारात, मेरे बाबा की बारात, भोले बाबा की बारात। डमरू बाजे, डमक डमक डुम 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 डमक डमक डुम। नंदी नाच ताता धैया, 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 ताता धैया। भंगी नाच ताता धैया, ताता धैया, ताता धैया, ताता धैया, ताता धैया, ताता धैया, ताता धैया। नारद नाच ताता धैया, ताता धैया, ताता धैया, ताता धैया। शिव भी नाच ताता धैया, ताता धैया, ताता धैया, ताता धैया। डमरू बाजे, डमक डमक डुम डमक डमक डुम शंकर, भोले सबो बम शंकर, बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले, मेरे शंकर की बारात, भोले बाबा की बारात, मेरे शंकर की बारात, भोले बाबा की बारात। दोनों हाथ उठा करके चलो बारात में।
बाजे उठाओ दोनों हाँ। जब शंकर जी भी नाच रहे तुम इंदौर वाले बड़े होशियार हो, अगर बाबा के ब्याह में ना नचे ना तो अगली साल बिना ब्याह कर रहे हो। डमरू बाजे डमक डमक डुम 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 डमक डमक नंदी नाच नंदी नाच भृंगी नाच भृंगी नाच श्रृंगी नाच श्रृंगी नाच हम भी नाच तुम भी नाचो झूम झूम के ताली बजा के मेरे भोले की बारात भोले बाबा की बारात मेरे भोले की बारात भोले बाबा की बारात शंभु बाबा की बारात भोले बाबा की बारात शंभु बाबा की बारात भोले बाबा की बारात हरि बोल। हुआ क्या बगल वालों अगल बगल के पंडाल में तुम भी उठाओ दोनों हाँ। हुआ क्या जो नाग कमर में बंधा था ना जब सब नच रहे थे उन्हें सोची हम ही डांस कर ले। जो कमर में बंधा था ना तो सब तो नच रहे थे भोले बाबा नंदी श्रृंगी भृंगी तो जो नाग कमर में बंधा हुआ था उन्हें सोची हम ही तो ठुमका लगा ले और नचती नचतू खिसक पाओ खिसक के कोने में जाकर के नाचने लगा मेरे बाबा की बारात भोले बाबा की बारात मेरे बाबा की बारात भोले बाबा की बारात शंभु बाबा की बारात शंभु बाबा की बारात शंभु बाबा की बारात भोले बाबा की बारात दाता दैया दाता दैया दाता दैया दाता दैया दाता दैया बम बम भोले बम बम भोले नाचे इंद्र भी नाचे वरुण भी नाचे।